कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी संडे टू एवरीवन आउट देयर। और आज है लोकनाथ जयंती, तो हमारे जो गुरुजी है, पंडित जी है, तो उनके वहाँ पर, वो जिस मंदिर में रहते हैं वहाँ पर जाना है और बहुत भीड़ होती है। आज काफ़ी अरसों के बाद, एटलीस्ट 4 महीनों के बाद, आई एम हैविंग मिल्क वाली चाय। ये दूध वाली चाय जो है, इसको मैं कंप्लीट 4 महीने के बाद ले रही हूँ। सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में ब्रेड वाली चाय जो हम लोग लेते हैं या ग्रीन टी लेते हैं, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो जिस बारे में मैं बात करने वाली थी, ये दूध वाली चाय जो है, ये हेल्दी नहीं है, एम्प्टी स्टमक में लेना नहीं चाहिए। लेकिन जनवरी में लिए थे, इसके बाद आज थोड़ा मन किया कि थोड़ा आज एक बार ले ही लेते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे। और आप लोगों की हैप्पी संडे कैसी जा रही है बताइएगा ज़रूर। मैंने आज तक यूट्यूब चैनल में अपनी ज़िंदगी के छोटे से छोटे फैक्टर से लेकर के बड़े से बड़े मैटर को आपके साथ शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा लिखती हूँ हेलो यूट्यूब फैमिली। ये किस लिए लिखती हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी की जितनी भी सच्चाइयाँ हैं वो आपके साथ मैं खुलकर शेयर करूँ, चाहे वो अच्छे से अच्छा गुड न्यूज़ क्यों ना हो, बड़े से बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी वाली इवेंट क्यों ना हो घर पे, और गंदे से गंदा घिनौना सच क्यों ना हो, हर चीज़ को मैं सो गाइस, जिस खतरनाक सच्चाई के बारे में मैं बात करने अभी जा रही हूँ, ये बहुत टफ है इसको लेना, लेकिन सच है तो आपके साथ शेयर करना बनता है। लास्ट कुछ महीनों से, मतलब ये लास्ट 1-1.5 महीने से मैंने घर पे कॉल करना बंद कर दिया है। घर पे मतलब ससुराल वालों के साथ नहीं, मेरे मम्मी के घर पे। क्या रीज़न है कि कुछ चीज़ें ना बहुत खटकती है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि, एनालिसिस किया एक चीज़ के ऊपर, कि आप लोग में से कई लोग, YouTube फैमिली में से कई लोग कमेंट सेक्शन में लिखते थे कि यू आर डूइंग अ लॉट फॉर योर मदर बीइंग अ मैरिड गर्ल। हमारे भारत में जो मैरिड गर्ल्स होती हैं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, उनको इतनी परमिशन नहीं होती, इतनी सहूलियत नहीं होती है कि वो अपने मायके के लिए मनचाहा कुछ करें। मैं खुद कमाती हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं भी कमाती होती, फिर भी ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करती है कि आप कितना करोगे। एक लिमिट में करना है, लिमिट से बाहर जाने नहीं दिया जाता है, ऐसा है। लेकिन मैं लिमिट से बाहर भी चली जाती थी तो मुझे सुमन जी कभी कुछ बोलते नहीं थे। उनकी परेशानी, उनका बुरा टाइम, उनकी बीमारियाँ, जो कि घर पे कोई नहीं है तो मुझे ही करना है, तो मैं करती थी। और सुमन जी हमेशा अलाउ करते थे, कभी कभी खुद भी जाते थे करने के लिए। हम लोग कभी भी कोई भी फेस्टिवल ओकेशन में हमारे घर में अपनी शॉपिंग से पहले, लड्डू गोपाल की शॉपिंग पहले करते हैं, उसके बाद मेरे मम्मी पापा की शॉपिंग करते हैं। मेरे मम्मी के लिए मैं हमेशा कुछ भी अच्छा लगता है तो पहले ले लेती थी, ऐसा था। एक दिन मुझे लगा, याद आया कि यही टाइम था लास्ट ईयर जब मुझे मिसकरेज आया था। और मिसकरेज आने का जो भी इसके प्रमुख कारण है मिसकरेज के, उसमें से एक कारण, ये बहुत इम्पोर्टेंट, प्रमुख कारणों में से एक कारण ये है कि डर नहीं लगना चाहिए आपको प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन अगर भयंकर सपना देख के भी डर के उठ जाए तो बच्चे के नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट पड़ती है और उनका हार्ट बीट वीक हो जाता है। वीक हार्ट बीट की वजह से आपका जो फीटस है, अंदर में जो बच्चा है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के प्रेगनेंसी में ही मिसकरेज होकर निकल जाता है, क्योंकि हार्ट बीट बंद हो जाएगी तो बच्चा कैसे बचेगा। तो ये डर की वजह से, लेकिन सबसे पहले मिसकरेज होता है लोगों का। और तब जब मैं लास्ट ईयर प्रेग्नेंट थी, हमारे यहाँ पर आकर मेरी देखभाल करने लायक
कोई नहीं था, नो बडी वॉज हियर, कोई नहीं। बस सुमन जी सारा खाना बनाकर मेरी टेक केयर करके कभी काम पर जाते थे, कभी नहीं भी जाते थे, और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी तब, यूट्यूब की वीडियोस भी नहीं बना पाती थी, बस सोई रहती थी, कंटिन्यूसली लेटी हुई हूँ, चक्कर आ रहा है, उल्टियाँ आ रही है, क्या क्या हो रहा है शरीर में, जैसे कि सबको नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो होता ही। लेकिन ये चीज़ नोटिस किया हम लोगों ने कि ये जो डर मुझे लगता था, ये अकेलेपन की वजह से लगता था। उन्होंने हायर किया था घर में रहने वाले मेट को जो 24 घंटा मेरी देखभाल करेगी, तब वो आराम से शांति से काम पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि काम पर जाएंगे और टेंशन होगी आपके दिमाग में तो आपका काम भी सही नहीं रहेगा, लगेगा कि कितनी जल्दी घर पे आ जाओ, क्योंकि घर पे मेरा जो घर वाले है या घर वाली है वो बीमार है, तो मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। तो ये जो उस टाइम को मैंने बिताया, हमने बिताया साथ में, और ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद मुझे शरीर में बीमारी नहीं आई, आज भी मेरा गायनिक सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो ये कुछ नहीं होने का जर्नी मैंने अकेले तय किया था, क्योंकि गायनिक सिस्टम के बारे में तो वो औरत नहीं है सुमन जी, उनको इतना पता नहीं था। मेरी सासूमा ससुर जी के चक्कर में पड़ी है कि यहाँ आएगी तो ससुर जी को देखभाल कौन करेगा। मेरी अपनी मम्मी थी वो अपना बोल रही है कि तेरे पापा को कौन देखेगा, मतलब कोई आना ही नहीं चाहता था घर वाले। अब रिलेटिव्स को हमने बोला नहीं था, अगर बोल देते तो शायद आ भी जाते, लेकिन हमने अपने घर को पहले फोकस किया था। और तो ये एनालिसिस करके हमने देखा कि लोगों की परेशानियों में हम पहले मेंबर है जो जाते हैं करते हैं, लेकिन हमारी परेशानी में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे अच्छे टाइम में सबको इंटरेस्ट है, हमारे बुरे टाइम में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कैसा रिश्ता है, खून का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, ये कैसा खून का रिश्ता है, विच काइंड, इसको क्या बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमेशा मम्मी बोलती थी मेरा जिन लोगों से झगड़ा है, मौसी लोगों के साथ, मम्मी बोलती थी कि वही ज़्यादा मम्मी को कॉल करते हैं, वही खुद से आ जाते हैं, हमें कुछ बोल रही थी और कर कुछ और रही थी। एक्चुअली यहाँ पर फॉल्ट ना, आप लोग हमेशा पहले जब 2021 में मैंने शेयर किया था कि मौसी लोग के साथ मेरा इस तरह से झगड़ा हुआ है, तो आप लोग हमेशा ढूंढ बोलते थे, मुझे ढूंढते थे कि कहाँ है वो, उसका कुछ नंबर दे दो, कुछ एड्रेस दे दो, हम वहाँ पर जाके दिखा देंगे उसको। लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया, क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि मुझसे किसी का भला नहीं हो सकता है, ठीक है ओके, बट मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी, नहीं करना चाहती हूँ। किसी का अच्छा नहीं करना है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बुरा नहीं कर सकती हूँ, नहीं करूँगी कभी, इस तरह की मेरी मेंटेलिटी नहीं है कि उसको प्रॉब्लम में मैं डाल के दूर से बैठ के हंसूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो बाद में पता चला कि मेरी मम्मी को बहुत इंटरेस्ट है उन लोगों के साथ हंसना बोलना मिलना, ओके उनकी लाइफ है, उनको अच्छा लगता है, हमने बर्दाश्त किया। बहुत बार इससे पहले भी झगड़ा हुआ इस मैटर को लेकर के, और हर बार वो बोलती रही कि तुमको इससे क्या है, तुम लोगों को इससे क्या है, तुम्हारी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो मैं निभाती हूँ ना। अच्छा आप लोग बोलिए, आपके घर के किसी मेंबर ने, किसी रिलेटिव ने, वो चाहे आपकी मौसी हो, आपकी फूफी हो, कोई भी हो, वो आपने शादी की है, जिससे शादी की है आपके हस्बैंड के नंबर पे व्हाट्सएप में गलत गलत लिख कर भेजा है, आपसे उनका झगड़ा है, हस्बैंड से तो कुछ नहीं है, हस्बैंड के नंबर में लिख कर भेजा है, तो ये कैसा काम है। और इसके बाद आपकी माँ उसको सपोर्ट करती, बोलती है माफ़ कर दे, छोड़ दे, उसने माफ़ी मांगा है, किससे माफ़ी मांगा है, हमसे तो कभी नहीं मांगा, हमारा मैटर है, उनसे माफ़ी मांग रही है, हमसे तो कभी मांगने नहीं आई माफ़ी, और अगर मांगने भी आती तो सुमन जी को अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, मुझे अगर कोई कुछ बोलता है तो सुमन जी बर्दाश्त नहीं करती। ये है फैमिली बॉन्डिंग जो हर किसी हेल्दी फैमिली में होनी चाहिए, उनके घर में भी है। मैं उनको आज, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों करी, लेकिन आज मुझे पूरा क्लियर है, ये मेरे सामने ये सीन पूरा क्लियर है, मुझे उनके ऊपर अभी कोई गुस्सा आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है जानते हैं,
क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं, मामा मौसी लोग रिलेटिव्स होते हैं वो आपके, लेकिन फैमिली मेंबर्स भी नहीं। आपके फैमिली मेंबर्स में काउंट कौन करेंगे लोग? चाचा को, चाची को। आपके ऊपर मामा मौसी का हक थोड़ा कम है, पापा के तरफ के लोगों का हक ज्यादा होता है एज पर रूल्स। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कि वो जो भी करती थी, वो जो भी वो लोग मिलकर मुझे सुनाते थे, जो भी करती थी, इसमें तो मेरी मम्मी का सपोर्ट था। उसको अपने बच्चे को सबके साथ मिलकर के इंसल्ट करवाने में मज़ा आता था, इसलिए उसने इस चीज़ को सपोर्ट किया। आज कल को हमारी बेटी हुई अगर, तो हम कभी उसको एक आज नहीं आने देंगे, कभी उसको दूसरे से, हमारे रिलेटिव से लेकर के किसी से भी। सुमन जी के घर में इतने जॉइंट फैमिली, लाखों रिलेटिव्स हैं। हमारे घर में मेरी सिस्टर है, मेरी दीदी है, सिस्टर है बच्चू मामा की बेटी, मझले मामा की बेटी, एक दिन मिलाऊंगी उनसे। अच्छा, मेरी दीदी है, मेरे चाचा की पहली शादी हुई थी तो उनकी बेटी, मेरे भैया है, भाभी है, उन लोगों से मैं कभी अपने बच्चे को इंसल्ट नहीं करवाऊंगी। ना ही ये बोलूंगी कि उनको सुनाने का हक तुम्हें है, उनको स्कोल्ड करने का, डांटने का हक तुम्हें है, ये मैं कभी नहीं बोलूंगी, जो कि मेरी मम्मी बोलती रही हमेशा। तो यहाँ पर रिलेटिव्स की गलती से ज़्यादा के अपने फैमिली में गलती, मेरी अपनी फादर की फैमिली में गलती है। उन्होंने कभी अपने बच्चे को, अपने दामाद को प्रायोरिटी देना ज़रूरी नहीं समझा। उनका प्रायोरिटी था उनके रिलेटिव्स, हम उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये बात हमारे समझ में आई। आज तक सुमन जी के घर वाले में उनकी मम्मी जो है, मेरी सासू माँ, वो अपने मन में रहती है, कभी हमें डिस्टर्ब नहीं की। मतलब डिस्टर्ब इन द सेंस, आप शादीशुदा हो गए हो, आप नई बीवी को लेकर घर में आए हो और उसको सबके सामने बैठकर सुनाना तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा वो गलत है, कभी नहीं किया ऐसा। अगर करती, सुमन जी ऐसे इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी में ये सुनने में बुरा लगता है लेकिन यही सच है, और इस सच के पीछे बहुत सारे कारण हैं, कभी मैं बताऊंगी दूसरे वीडियो में डिटेल्स में। मेरे आगे और कोई नहीं है, मुझे अगर किसी ने गलत सुनाया है तो वो साथ ही साथ उनके साथ झगड़ा करेंगे। दिस इज़ बेनिफिशियल, ये हर एक अच्छे परिवार में होना चाहिए कि आपके परिवार के मेंबर को अगर कोई कुछ गलत बर्ताव करता है उसके साथ, तो आप उसका प्रोटेस्ट करोगे देना दे। तो यहाँ पे मौसी लोग की कहाँ गलती है, उनको तो परमिशन दिया गया था ना, उनको मना किया गया था कभी? मौसी लोग के घर में मेरे मामा और मौसी जो लोग रहते हैं, छोटी मौसी और मामा जी, उनके घर में आप देखिएगा, आई स्ट्रांगली रिस्पेक्ट द बॉन्डिंग दे हैव, आई स्ट्रांगली रिस्पेक्ट, मैं एडमिट करती हूँ आपके सामने, मैं कन्फेस करती हूँ, मेरे साथ उनका रिश्ता नहीं है, शायद कभी नहीं बनेगा, लेकिन इस बात को जो उनकी अच्छाई है, वो दुश्मनी हो चाहे जो भी हो उनके साथ, अच्छाई को अच्छा बोलना पड़ेगा उनके रिश्ते में। ये इज द बेस्ट थिंग, बहुत अच्छी बात है कि दोनों की यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच आई लव एंड आई डू रिस्पेक्ट, दिस इज द गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी गॉड। मेरी मौसी को अगर किसी ने इतना भी भला बुरा कहा, मेरे छोटे मामा हैं वो कूद पड़ते हैं उनसे लड़ने के लिए। ये कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। वो घर में अदालत नहीं खड़ा करते सबको बुला करके कि देखो इसने ये कहा, ये किया, सब मिलके इसका विचार करो, कभी ऐसा नहीं हुआ। उनके अंदर जो उनके बीच में ये है, ये बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है, ये बहुत परिवार में होना चाहिए, तब आपको अपना फुपन फील होगा। साथ में एक छत के नीचे, वो महल हो चाहे कुछ भी हो, रहने से परिवार नहीं बनता, परिवार बनता है आप किसी भी जगह में रहो, चाहे मट्टी के घर में रहो, लेकिन बॉन्डिंग, एक दूसरे के लिए त्याग, एक दूसरे का समर्थन, इसको परिवार बोलते हैं, जो कि उनका है लेकिन मेरे मायके में नहीं था, आज भी नहीं है, और मेरे घर में है। मेरे पति मुझे 102% सपोर्ट हमेशा करते हैं, तो मम्मी मेरे पतिदेव को सुनाने आई है कि तुम इसको कंट्रोल करो, इतना बढ़ाओ मत, इतना सर पे मत चढ़ाओ। आप लोग की माँ ऐसा करती है, अपने दामाद को बोलते हैं कि इसको इतना सर पे मत चढ़ाओ, मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो भड़क गए, पूरा गुस्सा हो गए सुमन जी कि क्या बोल रही है आप, मेरी इतनी अच्छी बीवी है, पूरा दिन ना कोई
बदमाशी, ना कोई ऐसा काम जो मुझे पसंद नहीं है, ना कुछ। मैं जॉइंट फैमिली से आया हूँ, मुझे ये फील नहीं होने दी, हमेशा 10 लोगों का काम अकेले करती है, तो इसको मैं सर पे नहीं चढ़ाऊँ, किसको चढ़ाऊँगा मैं। इस तरह से हुआ। अब कोई गारंटी नहीं है हम लोग कभी वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ, कभी इमरजेंसी आई, मेरे पापा अगर कॉल करेंगे तो ज़रूर जाना है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि वहाँ। जैसे रेगुलर कभी कभी वैसे ही कम जाती थी मैं, लेकिन वो नहीं है कि जाना ही है, क्योंकि ऐसा हो गया है ना, कुछ बातें मम्मी ने ऐसी कह दी है, वो भी सुमन जी के सामने, इनटॉलरेबल है, इसको बर्दाश्त करना। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, तो मेरे परिवार को मुझे बचाना है, और आप लोग को पता है कि मेरे परिवार में मेरे पति बहुत लिमिटेड लोगों को एंट्री देते हैं, तो ये मेरा आज का आइडेंटिटी है, आज की परिचय है मेरी, और इसको तोड़ने की कोशिश जो भी करेगा उसे मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है, उससे दूरी बनाकर चलनी है, नहीं तो ज़िंदगी मेरी झंड हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये ज़िंदगी पाई, पापा की परी मैं नहीं थी, लेकिन दुख एक ही है कि मेरा जो बचपन था वो बोलने लायक नहीं था, ठीक है। किसी छोटे बच्चे, क्लास 2 के बच्चे की भाई बहन ने, उसकी माँ है, माँ बीमार है, दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बच्चे पर कितनी टेंशन होती होगी, और उस टेंशन के अंदर उसके पापा उसको पीटते हैं, मारते हैं, कुछ भी करते हैं, और तो घर पे देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हम जिस कैंपस में रहते थे, CMERI कॉलोनी, वहाँ के पड़ोसी मुझे प्यार से ले जाते थे कि आज मेरे घर रहे, आज रात को मेरे साथ रहे, आज रात को मेरे घर पे खा तू, और मुझे रख देते थे लोग, ठीक है, कि ये छोटी बच्ची है, ये कैसे अकेले मैनेज कर पाएगी। क्योंकि घर पे जाने से एक तो डर लगा हुआ रहता था कि डॉक्टर बोल देते थे कि वो हॉस्पिटल से वापस आएगी कि नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है, उसको नर्व की प्रॉब्लम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मेरे सामने ये सारी डिस्कशन होती थी, और बचपन से ही मैं रोती रहती थी अकेले, तो तब कोई नहीं आता था, सिर्फ बच्चू मामा, मेरे मझले मामा आकर रहते थे ड्यूटी छोड़ के अपनी, मुझे खाना खिलाना, स्कूल से आने के बाद मेरे ड्रेसेस को संभाल के रखना, मेरे बैग को संभाल के रखना, मेरे साथ बात करना, मेरे साथ खेलना, विच आई कांट फॉरगेट अंटिल डेथ। मेरे लिए मेरे बचपन में कैसा बिहेव किया मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़े होने के बाद मेरे लिए क्या किया ये मैटर नहीं करता है। जैसे मेरी बड़ी मौसी थी ना, तो वो भी मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी, तो वो तो खैर छोड़िए, लेकिन एक बात का ही दुख है कि मौसी लोग जो मुझसे झगड़ा की है, इट्स ओके, ठीक है, उनको बहुत बुरा लगा, वो झगड़ा किया, उनका कोई पॉइंट होगा, लेकिन उन्होंने तो मेरे बचपन को देखा था, मेरे परवरिश को बहुत पास से देखा था। मम्मी जब बीमार हॉस्पिटल में रहती थी तब वो लोग नहीं आते थे, लेकिन मम्मी ठीक होने के बाद तो आते थे, उनको तो रेगुलर विजिट करने की आदत थी, उनको पता था ना कि मैं किस तरह से एक छोटी बच्ची, एक बेटी, किसी घर की एक ही लौती बेटी है, वो कैसे बड़ी हो रही है, उन्होंने तो देखा था अपनी आंखों से ना कि क्या क्या मैंने बचपन में देखा, कैसे कैसे पीटते थे मेरे पापा मुझे, कहाँ कहाँ मार खाती थी, ये सब तो उन्होंने देखा है। तो ये देखने के बाद भी उनको थोड़ी सी दया नहीं आई कि इसका तो भाई बहन भी नहीं है, इसके साथ चलो पैचअप कर ले, नहीं झगड़ा करते हैं, इसने दो बात सुनाई है, शायद दिमाग गर्म, मेरा दिमाग क्यों नहीं गर्म होगा बोलिए, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, इसलिए हमेशा मुझे सुनाया जाता था कि इतना इसका क्यों टेम्पर, क्यों नहीं टेम्पर होगा, आप लोग ही बोलिए ना, क्यों मैं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होगी बोलिए। एक बच्ची को कभी कोई पैम्पर करने वाला ही घर में नहीं था, सिर्फ उसके पापा धड़ाधड़ उसको पीट रहे कभी भी किसी भी रीजन के लिए, तो उसका दिमाग गर्म नहीं होगा तो किसका होगा। वो पहले की बातें याद आई ना बचपन की, इसलिए बुरा मत मानिएगा आप लोग। और जिससे मेरा आज रिश्ता नहीं है ना, मौसी से, तो बचपन में क्या होता था जानते हैं, हमारे घर में वो रेगुलरली आती थी, तो मैं ही थी जो झगड़ा करती थी घर पे, हमारे घर में कोई कॉन्ट्रैक्टर आते थे, पापा
गैजेटेड ऑफिसर थे CSIR के, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन बनती थी तो उनके पास कॉन्ट्रैक्टर आते थे, वो पास करते थे उस बिल को। तो मैं हमेशा मम्मी से बोलती थी, मम्मी ये अंकल आए हैं, ये इनसे मेरी छोटी मौसी के लिए बात करो ना, पापा से बोलो ना, पापा से बोलो ना, और जो ना आटा छिले देखे दाओ ना माँ, बोलो ना बाबा के, बोलो ना बाबा के, ऐसे करती थी मैं ही झगड़ा करती थी उनके लिए घर पर। और बहुत डांट मुझे पड़ती थी कि तुझे अपनी पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब लेके पढ़ी हुई है तो तुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आज तो मैं बहुत बुरी हूँ उनके लिए, लेकिन ऊपर वाला ना हर चीज़ का जस्टिस करता है। तो मेरी मम्मी, बड़ी मौसी, ये लोग बहने हैं आपस में, ये लोग बोलते थे कि वो लोग छोटी मौसी से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मेरी नानी माँ गुजर चुकी थी, उसकी माँ नहीं है, उसके पिता नहीं है, दीदी लोग हैं, वो लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मुझे ना ये सब दिखावे वाला प्यार का कुछ समझ में नहीं आता है। सच में ये सुमन जी से मैंने इसलिए शादी की है कि उनके अंदर शो ऑफ बिजनेस नहीं है, दिखावे वाला कुछ नहीं, जितना भी है ना रियल है। रिश्ते में दिखावा बहुत गलत होता है। वो लोग बोलते थे, मेरी बड़ी मौसी शादीशुदा थी, उनका एवरेज इतना अच्छा नहीं था, एवरेज था, मौसा जी का कंडीशन फिनेंशियल देखे तो मैंने चल जाएगा ऐसा था। और मम्मी तो वेल सेटल्ड थी, वो CSIR के बंगलों में सजा कर अपना बैठी है। दोनों शादीशुदा दीदियाँ अपने मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही है, सब कुछ कर रही है, वो अपने में बिजी है। और उनकी छोटी सिस्टर का कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, उनकी अपनी खुशी को देख करके दूसरे को खुश करने की कोई सोच ही नहीं है। अगर मैं आज किसी से प्यार करती हूँ तो उनके लिए मैं कुछ करूँ ना करूँ, उनके दुख को कम करने की मैं कोशिश करूँगी, राइट। मुझसे बन पाएगा कि नहीं पाएगा अलग बात है, लेकिन कोशिश, ट्राई मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन मैंने देखा था कि ये कैसा प्यार था अजीब सा उनका, पता नहीं, मेरी बड़ी मौसी का, मेरी माँ का, कि वो बोलते थे कि प्यार करती है लेकिन एक्टिविटीज से पता नहीं चलता था ये कैसा प्यार था। आज भी मेरी ऐसी प्यार के बारे में समझ नहीं है, जो कि लोग बोलते हैं प्यार करते हैं लेकिन किसी की परेशानी है, उनकी कंडीशन, वो आपके अपने घर की है, अपनी है, उनकी कंडीशन आपसे ज़्यादा पुअर है, आपसे ज़्यादा खराब कंडीशन, आप उसको बेटरमेंट की ओर ले ही नहीं जा रहे, वैसे ही छोड़ दे रहे। साल दर साल बीते जा रहे हैं, दिन बीते जा रहे हैं, रातें बीती जा रही है, जो हो सो भाड़ में जाए, हमें देखना नहीं है, इस तरह का एक मेंटालिटी है। तो ये इस तरह का दकियानुसी दिखाने वाला प्यार ना, शो ऑफ वाला प्यार मेरी समझ में आता नहीं था। और मैं मौसी से हमेशा झगड़ा करती थी कि तुम यहाँ क्या है तुम्हारा, क्यों आती हो, तुम अपना देखो। उनका तब लुक्स अच्छा था, एज भी ठीक था, तो मैं हमेशा उनको फोर्स करती थी छोटी होकर के, तुम अपना देखो, तुम्हारी दोनों दीदियाँ अपने पति के साथ आना जाना करती है, वो लोग वेल सेटल, तुम अपना कोशिश करो, अपना घर बनाओ, वहाँ जाओ ना, तुम यहाँ क्यों, बार बार मैं बोलती थी और झगड़ा हो जाता था। उनको लगता था कि मैं पसंद नहीं करती हूँ उनका, लेकिन मैं बचपन से, क्योंकि धक्के खा खा के, मार खा खा के बड़ी हुई हूँ ना, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान थी बचपन से, बहुत वास्तववादी इंसान थी मैं बचपन से ही। सपनों की दुनिया में मुझे पाला नहीं गया था, इसलिए मैं वही सपने देखती हूँ जिनका मायने रखता है ज़िंदगी में, जिनके मतलब है, तो हमेशा मैं उसको पीछे से धक्का मारती थी, देवांशी देखो ना कि निजेटा करो आगे, इखाने क्या नो इसचो, अरे इखाने क्या नो इसचो, बार बार। आज देखिए, मेरे उस धक्के का नतीजा ये है कि उनके साथ मेरा रिश्ता नहीं है, मैं बहुत बुरी हूँ। आज मेरी माँ भी बोलती है कि तुझे बोलने की क्या ज़रूरत थी, तेरे को कितना क्या था, तेरा इतना सर दर्द क्यों है दूसरे के लिए, तुझे शर्म नहीं आती है, वो बड़ी है कितनी, उसको थोड़ी ऐसे बोलते हैं। उनके पास भी मैं खराब हूँ, लेकिन मैं क्यों बोलती थी ये सब, किसी को समझ में नहीं है, उन्होंने बस मेरा बोलना देखा, लेकिन क्यों बोली ये नहीं देखा। बाद में तो मैं बड़ी होने के बाद बहुत अच्छे से वेल बिहेव करती थी, जब भी मेरे मामा छोटे मामा से मिलती थी ऐसे हग करती थी, तब मामा क्या बोलना चाहिए। एक बार
मेरे मौसा जी के गुजर जाने के बाद मेरे शादी के तब चंद दिन रह गए थे, बहुत कम दिन थे, शादी होने वाली थी। तो बड़ी मौसी मुझे कॉल करके बोली कि थोड़ा काम है आ जाना। तो उनको मैंने रेस्टोरेंट में बुलाया, उनको बिल्कुल ऐसे हग करके मैं मिलती थी, और मतलब मेरी तरफ से जितना अच्छा बिहेवियर हो सकता है मैंने किया था, ठीक है। हाँ, छोटी मौसी के माँ बाप नहीं थे तो उनको कुछ बातें मैंने बताई थी तब, जबकि मैं छोटी थी। क्यों बताई थी? क्योंकि उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कम है। क्यों कम है? वो एज में हो सकती है सीनियर, लेकिन वो उस हालात से नहीं गुजरी है बचपन से जिस हालात से मैं गुजर कर बड़ी हो गई थी। जितने गंदे हालात आप जिंदगी में देखोगे उतना आपको प्रैक्टिकल सेंस होगा। तो मैं बताती थी हमेशा, उसको फोर्स करती थी, धक्का मारती थी कि अपना देखो, अपना घर बसा, ये दीदी का घर है, यहाँ क्या है? अच्छा टाइम स्पेंड होता है, गप्पे लड़ाती हो, बैठ के बातें करती हो, यही जिंदगी का सब कुछ नहीं है? जिंदगी में अपनी आइडेंटिटी बनाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं बहुत बुरी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कभी उनका बुरा नहीं चाहती थी, और ना ही कभी जिंदगी में ऐसा कुछ करूँगी जिनसे उनका बुरा हो। मेगलॉट ब्लेस हर, अच्छे से रहे। और कभी मेरी मम्मी को ये सेंस आए कि ये मेरा अपना परिवार है, इसको कोई गाली दे रहा है, कुछ गंदा कर रहा है इसके साथ, तो मैं माँ हूँ, मुझे प्रोटेक्शन देना चाहिए, ये मेरा हक है कि मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी, ना कि ढकेल के सबके सामने छोड़ दूंगी कि इसको और सुनाओ, इसको और मारो पीटो जो करो। ये बहुत गलत है, ये किसी के साथ किसी माँ को नहीं करना चाहिए, बहुत गलत। चलिए गाइस, तो ये थी वो सच्चाई जिसको ट्रूथ को रिवील करना ज़रूरी था आपके साथ। मैं मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में आपसे, और आज संडे है, हैप्पी संडे टू एवरीवन आउट देयर। बहुत अच्छे से संडे को बिताइए, बहुत अच्छे से बिताइए। अ बिग थम्स अप टू ऑल ऑफ यू, बाद में मिलते हैं।